हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्पीड एकेडमी। दोस्तों, जो पिछला दिन सेट हुआ था आपके आपके क्लास में, उसका हम अभी सॉल्यूशन देने वाले हैं हिंदी का। ठीक है, तो हिंदी का जो प्रश्न था पहला, उसमें था आपको बताना था पर्यायवाची शब्द। ओके, ये क्वेश्चन नंबर पहले पे हम लोग चलते हैं। आपको सबसे पहले बताना था पर्यायवाची शब्द किसका। देखिए, समानार्थी शब्द को ही पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे बताना था आपको आकाश का। तो ये लगभग सबको पता होता है आकाश का पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अंबर। अंबर जो है वो आकाश का पर्यायवाची शब्द है। अक्षी जो होता है ये आंख का पर्यायवाची शब्द होता है। अक्षी किसका होता है? आंख का पर्यायवाची शब्द। तो आपको कुछ पर्यायवाची शब्द जो होंगे, मैं उसका लिस्टिंग दे दूंगा, आप उसको पूरा का पूरा याद कर लेंगे। ठीक है, बात करते हैं पोषक का विलोम शब्द आपसे पूछा है। देखिए, पोषक का मतलब होता है कि जो आपका पालन पोषण कर रहा हो। ठीक है, जो आपका खर्च उठाता हो, जो आपका पालन पोषण कर रहा हो, उसको पोषक कहते हैं। तो पोषक का विलोम क्या होता है, यानी कि उल्टा क्या होता है? शोषक। जो आपका शोषण कर रहा हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, यदि आपका शोषण कुछ कोई कर रहा है तो उसको शोषक कहते हैं। तो पोषक का विलोम क्या हो जाएगा? शोषक हो जाएगा। अच्छा, छिड़ मतलब होता है, मतलब भंग हो जाना, टूट जाना। ठीक है, उसको बोलते हैं छिड़। दुर्बल मतलब आप जानते हैं, कमजोर। आगे दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है वाला विकल्प आपको चुनना है। लाइन क्या है पढ़िएगा। 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया। तो इसमें आपको कहीं भी त्रुटि नहीं देखने को मिल रही है। ये लाइन बिल्कुल सही है, 10 आदमियों ने नाव से नदी को पार किया। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई त्रुटि नहीं है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का शब्द देना है। ठीक है, जैसे कहा था ना, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, वही चीज यहां पे देना है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है, जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है। तो इतिहास में भी आपने एक नाम सुन रखा होगा, लौह पुरुष। किसको कहते थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ऐसा नहीं है कि लोहा जैसा वो शरीर होगा, मतलब एक सेंस होता है कहने का कि इनपे किसी भी तरह की विपत्ति आ जाए, किसी भी तरह की विपत्ति, ये उससे हमेशा अडिग होकर लड़ते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहते थे क्या? लौह पुरुष। तो यही जो लोहे के समान बलवान हो उसको क्या कहते हैं? लौह पुरुष कहते हैं। सज्जन पुरुष के बारे में आप जानते हैं कि जो व्यक्ति काफी ज्यादा काइंड हार्टेड होता है उसको सज्जन पुरुष कहते हैं। अगला था दानव। दानव मतलब वही राक्षस वाला जो शब्द है उसी का पर्यायवाची हो जाएगा आपका दानव। बढ़ते हैं हम लोग आगे। ओके, दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। फिर से वो त्रुटि वाला क्वेश्चन आया कि उसमें कौन सा त्रुटि है, ये आपको बताना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इधर देख ले शब्दों को, कौन कौन से शब्द आपके सामने दिए गए हैं और इसमें कहां पे आपको त्रुटि है ये निकालना होगा। दिया गया है कि कोई किसी को सिखाता नहीं कि ऐसे उच्चारण करो। देखिए, ऐसी उच्चारण करो, ये ऐसी वर्ड जो है यही गलत है। कोई किसी को सिखाता नहीं कि ऐसा उच्चारण करो, ऐसी नहीं होगा, क्या होगा वहां पे? ऐसा होगा। कोई किसी को सिखाता नहीं कि ऐसा उच्चारण करो, ऐसी शब्द नहीं होगा, यहीं पे गलती था। ठीक है, आगे है, दिए गए शब्द का विलोम चुनना है आपको। विलोम मतलब फिर से क्या आया? उल्टा वाला चुनना है। तो यहाँ पे है अत्यधिक। अत्यधिक मतलब बहुत अधिक कोई चीज होता है उसको अत्यधिक कहते हैं। तो अत्यधिक का विलोम क्या हो जाएगा? अत्यधिक हो जाएगा अत्यल्प। ठीक है, अत्यधिक क्या हो जाएगा? अत्यल्प हो जाएगा। अत्यधिक मतलब बहुत अधिक, अत्यल्प मतलब बहुत कम। ठीक है, तो अत्यल्प हो जाएगा यहाँ पे। अधिक वाला तो फिर से वही है, अत्यधिक और अधिक दोनों एक ही तरह का सेंस दे रहा है। अत्यधिक मतलब बहुत अधिक, एक्सट्रीम। ठीक है, और अधिक मतलब ठीक है, अधिक है, तो दोनों में सेंस एक ही आ रहा है, इसलिए अत्यल्प ले लेंगे हम, सबसे कम वाला ले लेंगे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। वर्तनी मतलब स्पेलिंग सही वाला होना चाहिए, उसको आपको चयन करना है। देखिए यहाँ पे व्यावसायिक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? व्यावसायिक। उसमें देखना है कि किसका वर्तनी सही है। तो देखिए यहाँ पे एक एक करके शब्दों को देखेंगे, तो ये लिखा हुआ है व्यावसायिक, ये लिखा हुआ है व्यावसायिक, ये बिल्कुल ही गलत है। व्यावसायिक ये बिल्कुल गलत है। व्यावसायिक, तो व्यावसायिक जो यहाँ पे य में दीर्घ इकार है, ऐसा नहीं होता है, ये व्यावसायिक सही है। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द, फिर से आपको पर्यायवाची शब्द मिल गया, समानार्थी को ही पर्यायवाची कहते हैं। शून्य। शून्य का मतलब होता है बिल्कुल ही खाली, कुछ नहीं हो जिसके पास। ठीक है ना, कहते हैं आप लोग दोस्तों में कि बिल्कुल जीरो हो गए हैं यार, एकदम शून्य हो गए हैं। शून्य मतलब बिल्कुल खाली। तो यहां पे मिल जाएगा आपको खाली, ये इसका आंसर हो जाएगा शून्य का। ठीक है, और पराक्रमी मतलब होता है बहुत ज्यादा बलवान।
वीर भी उसी सेंस में आएगा, बहुत ज्यादा बलवान में, और सूर भी उसी सेंस में आएगा, लेकिन सूर जो होता है वो मतलब एक जिद्दी टाइप का जो होता है ना बलवान, उसको सूरवीर कह लेते हैं। तो ये सारे उस अलग सेंस के थे, और खाली जो होगा वो शून्य का ये हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा शुरू होता है, निम्न में से दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। मुहावरा क्या है इसको ध्यान से देखेंगे। मुहावरा आपका कह रहा है सती सावित्री होना। क्या लिखा हुआ है? सती सावित्री होना। तो आपने अपने घर में अपने आसपास स्त्रियों के बारे में सुन रखा होगा कि ये स्त्री सती सावित्री है। सती सावित्री कहने का मतलब कि अपने पति के प्रति काफी मतलब उदार दिल वाली है, या फिर कह सकते हैं कि वो निष्ठावान है अपने पति के प्रति, तो उसी को कहते हैं हम सती सावित्री होना। यानी कि पतिव्रता जो स्त्री होती है उसको सती सावित्री भी कह लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्यवादी, मतलब सच बोलने वाला, दृढ़ निश्चय, मतलब जिसका निश्चय एकदम से दृढ़ हो, ठीक है, वो अपने निश्चय से डिगे नहीं, जो सोच लिया वो करना है, उसको बोलते हैं दृढ़ निश्चय। सरल मतलब होता है, आसान। आगे है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि त्रुटि नहीं है तो त्रुटि नहीं वाला चुन लें, बाकी यदि त्रुटि है तो आप बताएं। क्या है? इस विषय की एक भी पुस्तकें नहीं है। देखिए, एक पुस्तक की जब बात कर रहे हैं, यहां पर बहुवचन दे देंगे तो यही तो गलती हो गया। पुस्तकें क्या है? बहुवचन है। और एक पुस्तक की जब बात हो तो केवल पुस्तक लिखना चाहिए, पुस्तकें नहीं लिखना चाहिए। तो यहीं पे गलती था यह, ठीक है। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि है तो आपको बताना है, ठीक है। वाक्य क्या है ध्यान से देखेंगे। वाक्य है कि मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है ताकि उसे, ध्यान दीजिएगा, मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है ताकि उसे अपना पेट पालना है। तो यहां पे जो सेंस हो रहा है वर्ड का, मतलब सेंटेंस का, वो शुरुआत से ही गलत है। मनुष्य इसलिए नहीं, इसलिए मनुष्य परिश्रम करता है ताकि उसका पेट पालन हो सके, ठीक है। तो ये जो मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है, ये यहां से इंटरचेंज हो जाएगा और शुरुआत होगा इसलिए कि इसलिए मनुष्य परिश्रम करता है ताकि उसे अपना पेट पालना है। तो ये वाला वर्ड होगा, आपस में इंटरचेंज होगा, इसलिए पहले आएगा, मनुष्य उसके बाद जाएगा। अगला वर्ड हमारा सुमति का विलोम क्या होता है। फिर से अपोजिट वाला पूछा, तीन तीन चार चार अपोजिट वर्ड आपसे पूछे जा रहे हैं। सुमति का विलोम होता है कुमति। सुमति का विलोम क्या होता है? कुमति, ठीक है, विमति निर्मित नहीं, सुमति का विलोम होता है कुमति। जिसके हाथ में वीणा है, जिसके हाथ में वीणा है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए, जिसके हाथ में वीणा है अर्थात सरस्वती, ठीक है, उसको हाथ में वीणा को मतलब ऐसे समास में जब हम पढ़ाएंगे तो जिसके हाथ में वीणा उसको कहते हैं वीणा पाणी। क्या कहते हैं? वीणा पाणी। और वीणा पाणी किसको कहते हैं? माँ सरस्वती को कहते हैं वीणा पाणी, जिनके हाथ में वीणा देखा जाता है। बात करते हैं चक्रपाणी की, तो जिसके हाथ में चक्र हो उसको कहते हैं चक्रपाणी, जिसके हाथ में व्रज हो उसको कहते हैं व्रजपाणी, ठीक है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका माँ सरस्वती। अगला हमारा प्रश्न है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे दो दो वर्ड जो होंगे आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रहे होंगे, कौन कौन? एक होगा इंद्रियाजीत और एक होगा इंद्रियातीत। देखिए, इंद्रियातीत नहीं होता है, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो उसको इंद्रियाजीत कहते हैं, और जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त कर लिया है उसको इंद्रजीत कहते हैं। जिसने भगवान इंद्र पर विजय प्राप्त कर लिया उसको इंद्रजीत, और जिसने अपने इंद्रियों पर, अपने ज्ञानेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया उसको कहते हैं इंद्रियजीत। तो ये आपका आंसर सही होगा, इंद्रजीत। अगला है, दिए गए वाक्य से किस भाग में त्रुटि है ये आपको निकालना है। यह मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। तो यहां पर गलती आपकी है, यह मानसिक दास्ता सदा काल नहीं होगा, इसको हम कह सकते हैं कि यह मानसिक दास्ता आदि काल से चली आ रही है और अनादि तक चलेगी, अनंत तक चलेगी, ठीक है, आदि से अंत तक। तो यहीं पे गलती था इसमें, ठीक है, सदा काल से नहीं, आदि काल से चली आ रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा शुरू होता है, यहां पे एक गद्यांश आपको दिया गया है जिसको पढ़ना है, और पढ़ के इसमें जो खाली स्थान है उनका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन हमारा आता है, अच्छा पहले पूरे हम गद्यांश को पढ़ेंगे, इससे हमको एक सेंस मिलेगा कि गद्यांश हमारा पॉजिटिव सेंस देने वाला है या नेगेटिव सेंस देने वाला है, ये यहीं से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इसको एक बार हम लोग पढ़ेंगे। जिज्ञासा मनुष्य की खाली स्थान प्रवृत्ति है और आनंद प्राप्ति उसकी स्वाभाविक खाली स्थान।
घोर से घोर खाली स्थान मनुष्य में भी ये दोनों प्रवृत्तियां स्वाभाविक हैं और जन्मजात हैं। मतलब जन्म से ही किसी भी तरह का मनुष्य हो उसमें यह सब प्रवृत्तियां रहेंगी। उसका उनका संतोषजनक खाली स्थान न होने पर मनुष्य में एक ओर तो खाली स्थान उत्पन्न होता है और दूसरी ओर भय, निराशा और अवसाद। तो ये आपको एक भौतिकवादी विचारधारा वाले मनुष्य के बारे में कुछ लाइनें कही गई हैं। तो उसी आधार पर हम लोग यहां से कुछ वाक्य को मतलब वर्ड्स को चुनेंगे जो इसमें अप्रोप्रिएट बैठ सके। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वर्ड इसमें आएंगे, एक एक करके हम लोग उठाना शुरू करते हैं। जिज्ञासा मनुष्य की कैसी प्रवृत्ति है? तो जिज्ञासा जो है वो मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ऐसा कह सकते हैं कि जिज्ञासा मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। सबके मन में जिज्ञासा होती है कैसी, और आनंद प्राप्ति उसकी स्वाभाविक क्या है? तो आनंद प्राप्ति जो होती है उसकी स्वाभाविक कामना है। देखिए होता क्या है कि हमारे मन में अलग अलग तरह की इच्छाएं चलती रहती हैं कि गाड़ी मिल जाता, बंगला मिल जाता, अच्छी महिला मित्र मिल जाती, बहुत खुश हुआ होगा आप, मतलब मन में खुशी हुई होगी ऐसा बात सुन के। ये सबके मन में ये कामना चलती रहती है क्योंकि ये दुनिया भौतिकवादी है, भौतिक सुख हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसमें कामना की जो भावना होती है सबके मन में चलती रहती है। तो हमारा पहला भर गया क्या, स्वाभाविक मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है और आनंद प्राप्ति उसकी स्वाभाविक कामना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पढ़ने, अगला यहां से उठा के रखना है। देखिए मैं आपको बता दूं, एक जगह रहा नहीं तो फिर यहां से देख लेंगे। उसकी स्वाभाविक कामना है, यहां पे लिख देंगे कामना। ठीक है, हम बढ़ते जाते हैं। जिज्ञासा मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ठीक है, और आनंद प्राप्ति की स्वाभाविक कामना है। घोर से घोर, अगला ऑप्शन क्या आएगा इसमें, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और भौतिकवादी। हमने पहले आपको बताया था कि भौतिकवादी मनुष्य के बारे में बातें हो रही हैं, तो यहां पे हो जाएगा भौतिकवादी। घोर से घोर भौतिकवादी मनुष्य जो होगा उसमें भी ये दोनों प्रवृत्तियां स्वाभाविक और जन्मजात होंगी। उसके भी मन, उसका भी स्वभाव होगा, उसके भी मन में कामना होती होगी, ऐसी भौतिकवादी मनुष्य में होती है। ठीक है, उनका संतोषजनक उद्वेलन यहां से ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? उद्वेलन। उनका संतोषजनक उद्वेलन ना होने पर, उद्वेलन हो जाएगा, एक मिनट देखते हैं, उनका संतोषजनक, हाँ उद्वेलन ले सकते हैं, संतोषजनक उद्वेलन ना होने पर मनुष्य में एक ओर तो, देखिए एक ओर तो खाली स्थान उत्पन्न होता है, दूसरी ओर भय और निराशा और असाध। मतलब एक तरफ यहाँ पॉजिटिव सेंस दे रहा है, एक तरफ नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो यहाँ पर हम लोग को पॉजिटिव वाला वर्ड उठाना है उद्देश्य। ठीक है, एक तरफ उनमें आस्था आएगा, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव वाला वर्ड आएगा आस्था। एक तरफ उनमें एक ओर तो आस्था उत्पन्न होती है और दूसरी ओर भय, निराशा और अवसाद। ये एज टोटल क्वेश्चंस हो गए गद्यांश वाले, टोटल हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को अभी कंप्लीट कर लिया है। तो आज डे वन का जो हिंदी था आपका कंप्लीट हुआ, इसके जस्ट बाद आपको आज का जीके वाला वीडियो मिल जाएगा और उसके जस्ट बाद आपको रीजनिंग वाला वीडियो मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।